वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, बलिया को अब मिलेगा एक और एक्सप्रेसवे, यानी चौथा एक्सप्रेसवे। तो आइए जानते हैं चौथे एक्सप्रेसवे के बारे में। वीडियो को लास्ट तक देखिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिए। और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। दोस्तों, पूर्वांचल यानी पूर्वी उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश सरकार पूर्वांचल के लिए विभिन्न सड़क परियोजना पर काम कर रही है। दोस्तों, पूर्वांचल के शहर बलिया के लिए कुछ समय पूर्व 3 एक्सप्रेसवे का ऐलान किया गया है। अब पहले जानते हैं 3 एक्सप्रेसवे के बारे में। पहला, बलिया लिंक एक्सप्रेसवे, जो 23 किलोमीटर का होगा और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के जरिए कनेक्ट होगा। दोस्तों, दूसरा एक्सप्रेसवे गाजीपुर बलिया मांझी घाट, जो 118 किलोमीटर लंबा होगा। इसका जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया पर काम चल रहा है। दोस्तों, तीसरा वाराणसी बक्सर भरौली, जो कि 108 किलोमीटर लंबा है और इस पर अभी ट्रैफिक सर्वे का काम चल रहा है। अब दोस्तों, हम आते हैं चौथा एक्सप्रेसवे बलिया के लिए, जो कि गंगा एक्सप्रेसवे फेज़ 2 का भाग होगा। ये एक्सप्रेसवे प्रयागराज से शुरू होकर वाराणसी गाजीपुर होते हुए बलिया तक गंगा नदी के साथ साथ बनाए जाने की योजना है। प्रयागराज से बलिया एक्सप्रेसवे की लंबाई 314 किलोमीटर होगी। दोस्तों, गंगा एक्सप्रेसवे, जो कि 594 किलोमीटर लंबा 6-लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे होगा और ये प्रयागराज से मेरठ तक पहले फेज़ 1 में बनाया जा रहा है। और दोस्तों, अगर गंगा एक्सप्रेसवे के स्टेटस की बात कर लें तो अगस्त तक 6532 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहण, जो कि इस प्रोजेक्ट का 90% है, अधिग्रहण हो चुका है। इसे PPP यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत बनाया जा रहा है और इस महीने के लास्ट तक बिड प्रोसेस स्टार्ट कर दिया जाएगा। और ये मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहाँपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज तक बनेगा। और इसके बनने के बाद दिल्ली से प्रयागराज की दूरी महज 6 से 7 घंटे में पूरी हो जाएगी। और अगर इसे फेज़ 2 जब बलिया से जोड़ा जाएगा तब महज 9 घंटे में बलिया से दिल्ली की दूरी कही जा सकेगी। दोस्तों, प्रयागराज से बलिया यानी गंगा एक्सप्रेसवे फेज़ 2 की योजना अभी बनाई गई है और वर्ष 2022 में इस प्रोजेक्ट को अमली जामा पहनाए जाने की उम्मीद है। दोस्तों, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।